हेलो दोस्तों, आपने ये वर्ड जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या आपका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में। आज हम बात कर रहे हैं कैड के बारे में, जिसका मीनिंग है कंप्यूटर एडिट डिजाइन। दैट मींस एडिट मींस हेल्प, दैट मींस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी आर डिजाइनिंग समथिंग। दैट मींस ए पार्ट और ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का कोई पार्ट हम डिजाइन कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसकी सहायता से हम डिजाइनिंग करते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की डिजाइनिंग कर रहे हो। आप इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन कर रहे हो या मैकेनिकल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो या कोई और इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो घर का, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, इनके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट पॉपुलर कैड के सॉफ्टवेयर्स के बारे में, इनके वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो डिजाइनिंग में यूज़ होती हैं और ख़ासकर इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होती हैं। तो कैड के सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि डिज़ाइनिंग क्या होती है। कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग का मतलब आपको पता चल गया है, लेकिन डिजाइनिंग का मीनिंग शायद आप बहुत ही कम लोग जानते हो। जब भी डिजाइनिंग की बात आती है तो हम लोग समझते हैं कि कोई भी ड्राइंग बनाना, ड्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, या कोई भी 3D मॉडल बनाना, डिजाइनिंग वही तक है। लेकिन डिजाइनिंग का ही सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं मॉडलिंग या ड्राफ्टिंग, ड्राइंग बनाना। डेट मीन्स एक्चुअल में डिजाइनिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में मटेरियल सिलेक्शन से लेके लास्ट में हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को दिखाना, यानी कि उसके ड्राइंग्स, उसके डायमेंशंस को दिखाया, इवन टॉलरेंसेज को दिखाना भी डिजाइनिंग का एक पार्ट होता है। डिजाइनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इस मटेरियल का बनेगा, और उसके बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे और उन फोर्सेज की वजह से इसका इफेक्ट, इसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी और क्या ये ऑब्जेक्ट इतनी स्ट्रेसेस को बियर कर पाएगा या नहीं, इतनी स्ट्रेसेस बियर करने के लिए इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। पहले जब ये सॉफ्टवेयर नहीं आए थे उससे पहले हम यूज़ करते थे अपनी मैथमेटिकल नॉलेज या अपनी साइंटिफिक नॉलेज, अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज, जिसके सहायता से हम जिसमें हमको चाहिए था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम की हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी, थर्मोडाइनमिक्स की हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी, फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी। हालांकि इन सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप डिजाइनिंग करते हो तब इन सब्जेक्ट की नॉलेज आपको ज़रूरी है, लेकिन इन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम क्या करते हैं, ये जो नॉलेज है अगर मेरे को कम नॉलेज है तो भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरा पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था वो सारा का सारा काम अब ये सॉफ्टवेयर करेंगे। तो ये भी एक डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है। जब मैं सॉलिड मॉडल बना देता हूँ तो उसके ऊपर टेस्टिंग करना कि भाई क्या ये ऑब्जेक्ट इतनी स्ट्रेस को बियर कर पाएगा, इसके ऊपर कितना, अगर मान के चलो यहाँ पे ये चीज़ मूव हो रही है या फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से कितना यहाँ पे टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और क्या ये ऑब्जेक्ट इतने टेम्परेचर को बियर कर पाएगा या नहीं, इतने टेम्परेचर के ऊपर ये फेल ना हो जाए, टूट ना जाए या कोई भी किसी भी तरीके से इसके अंदर मिसफंक्शनिंग ना हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी होती हैं, ये भी एक डिज़ाइनिंग का ही पार्ट होता है। तो डिज़ाइनिंग इंक्लूड होता हमारा मटेरियल सिलेक्शन, उसके ऊपर फाइंड द फोर्सेज, उसके ऊपर कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर उन फोर्सेज या उन उसकी वजह से उसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेसेज बियर हो रही हैं और उन स्ट्रेसेज को बियर करने के लिए उस मटेरियल के कितने डायमेंशन, यानी कि कितने डायमीटर या इतनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। उसके बाद उसके ऊपर टेस्टिंग भी की जाती है, सिमुलेशन भी की जाती है और उसके बाद लास्ट में एक ड्राइंग तैयार की जाती है, एक मॉडल, सॉलिड मॉडल तैयार किया जाता है। और एक्चुअल में कंप्यूटर का रोल यहीं पे फिनिश नहीं होता। इसके बाद कैड के बाद एक टर्म और आती है जिसका नाम है CAM, इनके कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग। डैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, हम कुछ चीज़ बना रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, नॉर्मल किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कन्वेंशनल मशीनें यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे लेथ मशीन, सेपर मशीन, जितनी भी मशीनें आपने सुनी होंगी या देखी होंगी। लेकिन अब क्या होता है, और उनको ऑपरेट करने के लिए हमको बहुत सारे स्किल्स वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है,
जो कि काफ़ी टाइम से उस मशीन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आजकल क्या है, उस मशीन को हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर के साथ उस मशीन को कंट्रोल कर दिया जाता है और उस कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट मेरे को बनाना है उसका प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है। तो इन मशीन्स को हम बोलते हैं CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। इन मशीनों की सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होती है। ये ऑटोमेशन का एक पार्ट है कि हम अपने आप काम कर रही, मशीनें अपने आप काम कर रही हैं। तो ये भी सारा का सारा काम CAD से नेक्स्ट आता है, CAM के अंदर, यानी कि कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसके अंदर आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि पूरी इंडस्ट्री को ऑटोमाइजेशन करना, किस हद तक ऑटोमाइजेशन करना है आपको, ये भी उसी के अंदर पढ़ना होता है। सेकंड, आपने मैंने बताया अभी, जैसे इसके अंदर CNC, NC CNC और DNC मशीनों का यूज़ होता है और सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर आती हैं। ग्रुप फैमिली, पार्ट फैमिली कैसे बनाई जाती है, उनकी कोडिंग कैसे की जाती है, उनको कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोरेज कैसे किया जाता है, उस डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है, यूज़ किया कैसे किया जाता है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, जिसको हम प्रोसेस प्लानिंग भी बोलते हैं, वो भी कंप्यूटर की सहायता से की जाती है। उसको हम बोल देते हैं कई बार कंप्यूटर एडिड प्रोसेस प्लानिंग, यानी कि CAPP, डेट मीन्स कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस प्लानिंग करना कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा। ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को बनाना है तो आपको इन इन प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ेगा। पहले इसके लिए स्पेशल इंजीनियर्स होते थे, वो डिफाइन करते थे कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको ये स्टेप फॉलो करने जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो ये भी बता देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से बनाया जाता है, अगर उस कंप्यूटर के पास सारा डाटा अवेलेबल है आपकी इंडस्ट्री का, डेट मीन्स कौन कौन सी मशीनें आपके पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से वर्कर्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपके लिए एक ऑप्टिमाइज्ड प्लान बता देंगे। ऑप्टिमाइज्ड मीन्स बेस्ट प्लान बता देंगे कि इस प्लान के थ्रू बनाओगे तो कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे में ये ऑब्जेक्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसकी सहायता से ये जो चीज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडिट प्रोसेस प्लानिंग। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आती हैं, CAD, CAM और CAP। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं CAD के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं AutoCAD के बारे में। AutoCAD को इन्वेंट किया है Autodesk नाम की कंपनी ने। ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है और शायद सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर भी है, जिसका यूज़ हम करते हैं सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग में। कोई भी ड्राइंग 2D हो या 3D हो, इसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है। सबसे पहले अगर मैं CAD की बात करता हूँ तो AutoCAD ही आता है, क्योंकि CAD की स्टार्टिंग ही Autodesk कंपनी ने की थी, यानी कि उसने ही सबसे पहले ये AutoCAD नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 2D वायर फ्रेम मॉडलिंग अगर मेरे को करनी है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 2D डायग्राम अगर मेरे को बनाना है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जिस तरीके की सीट आप ड्राइंग सीट के ऊपर जिस तरीके की ड्राइंग बनाते हो, वही ड्राइंग आप कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। साथ में उस ड्राइंग के अंदर अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो भी ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर हम बहुत ही आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये है AutoCAD का बेसिक वर्जन, यानी कि स्टार्टिंग में हम जो बिगिनर होता है वो इस तरीके का काम करता है। लेकिन अगर मैं AutoCAD 2020 की बात करता हूँ तो AutoCAD ने बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रखी हैं, जैसे कि इसकी सहायता से आज के टाइम पे हम सिमुलेशन भी कर सकते हैं। सिमुलेशन मीन्स कि कोई भी पार्ट बना के उसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह वो, या उसको एक तरीके से रियल लाइफ में वो कैसे काम करेगा ये भी हम चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे अगर आप बाइक का एक कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हो तो उस कंपोनेंट के ऊपर कितनी स्ट्रेसेज लगेंगी, क्या इतनी स्ट्रेसेज को बियर कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है नंबर 2 के ऊपर SolidWorks। ये मैंने इसको अपनी लिस्ट में नंबर 2 दिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और AutoCAD के बाद शायद ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड मॉडलिंग बहुत ही आसानी से की जा सकती है। सॉलिड मॉडलिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, उसका एक तरीके से 3D मॉडल बनाना। उस 3D मॉडल को मैं किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट करके देख सकता हूँ, जूम करके देख सकता हूँ, जूम आउट करके भी देख सकता हूँ। यही काम हम पिछले सॉफ्टवेयर यानी कि AutoCAD में भी कर सकते हैं, लेकिन SolidWorks ये बहुत ही आसानी से करता है और फास्ट करता है। सेकेंड, इसकी सबसे जो बड़ी एडवांटेज ये है कि 3D मॉडल बनने के बाद भी हम उसके अंदर जो भी चेंजमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं और AutoCAD के अंदर ये चीज़ लिमिटेड है।
तो ये चीज़ें इसको ऑटोकैड से ज़्यादा आसान बनाती हैं और इसी वजह से आज के टाइम पे जितने भी डिज़ाइनर हैं वो सॉलिडवर्क्स के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद सॉलिडवर्क्स, जैसे ही सॉलिडवर्क्स को इन्वेंट किया है DST डिसॉल्ट सिस्टम ने, और इसी कंपनी ने बनाया हुआ है कैटिया। कैटिया भी सॉलिडवर्क्स से मिलता जुलता ही काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये भी काफ़ी पॉपुलर है। कैटिया के बाद अगला सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो है एनसिस। एनसिस क्या है, ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और ये एक्चुअल में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रेस एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी डिज़ाइन जो तुमने बनाया उसका एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेस एनालिसिस, टेम्परेचर एनालिसिस, और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिसका हम यूज़ करके बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हम या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास, अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी CFD यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी कि जो फ्लूइड एक तरीके से मान के चलो कहीं पे भी फ्लो करता है, सपोज करो पाइप के अंदर से हमारा पानी फ्लो कर रहा है, तो उस पाइप के अंदर पानी फ्लो करने पे उस पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा रिड्यूस होगा, बेंड आने पे क्या होगा, वो लेमिनर फ्लो रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो रहेगा, कहाँ पे क्या होगा, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, काफ़ी चीज़ें आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करनी पड़ती हैं। वो सारी की सारी एनालिसिस हम CFD से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन से हम या एनसिस के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले में भी सॉलिडवर्क्स में भी एक टूल है जिसकी सहायता से हम CFD का काम सॉलिडवर्क्स में भी कर सकते हैं, और वो टूल था फ्लो एक्सप्रेस। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में क्या है, इटरेशन टेक्निक्स यूज होती हैं। इटरेशन टेक्निक्स मीन्स हम पहले एक सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद और ज़्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन निकालते जाते हैं, और ज़्यादा निकालते जाते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स अपने आंसर को, अपने सॉल्यूशंस को करेक्ट करते जाते हैं। तो हम जितना चाहें उतनी इटरेशन करके हम एक्यूरेट से एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये काम करता है एनसिस फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग के ऊपर। फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग क्या होती है कि पूरे प्रोडक्ट को मैं स्टडी ना करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, और उन पार्ट्स के बारे में, एक पार्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है, और फिर एक पार्ट्स के ऊपर स्ट्रेस या टेम्परेचर निकालने के बाद उनको इंटीग्रेट करके पूरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी मेरे को स्ट्रेस या टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है, जो भी मेरे पास गिवन प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं। तो आई थिंक आपको इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और हैं, जैसे प्रोई है, प्रो इंजीनियरिंग है, और कैटिया है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इससे आपको कैड, कैम, कैप या जितनी भी रिलेटेड टर्म्स उनके बारे में पता चला होगा।